हैदराबाद सिटी पुराना शहर साउथ जोन के अंदर 19 मई शाम को ये अकबर अली खान इलियास हैदर और डबीरपुरा में इसके घर के अंदर इसका ओन वाइफ जेबा नाज को वो ब्रूटली मर्डर कर दिया। ये जेबा नाज के ऊपर शक में ये जानबूझकर जकात करने के लिए वो रमजान महीने में इसका घर किंगकोटी से यहाँ ला के ये पूरा हेड इंजरी करके मार दिया। वो प्लास्टिक ये पार्सल तरफ करके वो फेंक दिया। तुरंत दुबई चले गए। उनका 3 भाइयों को और मदर को गिरफ्तार कर दिया। एक मेन एक्यूज्ड अभी तक मिला नहीं। कई बार ये मीडिया में भी आ चुके हैं। तो दबीरपुरा इंस्पेक्टर नायक ये पूरा LOC लुकआउट सर्कुलर पूरा एयरपोर्ट्स को देकर उनका पासपोर्ट को इम्पोर्ट करने के लिए रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को रिक्वेस्ट दे दिया। ये दुबई एम्बेसी को मालूम हो गया। वो दुबई एम्बेसी, दुबई CID पुलिस सभी मिलकर इसको पुलिस के आके पहले बार ये लोग हमारा पुराना आज मॉर्निंग एयरपोर्ट में और टास्क फोर्स दबीरपुरा पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो गया क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो शादी करने के बाद बच्चे फायदा होने के बाद वो औरत को छोड़कर वो सऊदी दुबई अरब कंट्रीज़ को जा रहा है, वो वापस नहीं आ रहे। उनका पेरेंट्स ऊपर अगर केस रखेंगे तो वो लोग बोल रहे हैं नहीं मालूम। तो इस मामले में ये प्रैक्टिस अगर ये अरब पुलिस, इंडिया पुलिस मिलजुल कर ऐसा अपराधियों को, ऐसा एक्यूज्ड को ऐसा लाएगा तो वो बेस्ट प्रैक्टिस हो जाता। वो जो विक्टिम्स को उनका कानूनी के अंदर जस्टिस मिल जाता। ये आदमी भी अबू धाबी में काम कर रहा था। तो ये मर्डर करने के बाद वहाँ जाए के तो हमारा मीडिया में, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में बहुत इसको बारे में बहुत रिपोर्ट्स आया। वो डर गए। तो हम ये LOC RPO लुकआउट सर्कुलर के इफेक्ट में वो पुलिस वहाँ पकड़ के हमको हैंड ओवर कर दिया। उन लोगों को, दुबई पुलिस को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पासपोर्ट अथॉरिटीज़ को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरफ जो आदमी रिक्वायर्ड है हमारा कई केसेस के, उन लोगों के भी लाने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो ये आदमी को अभी मर्डर केस में A1 तरफ से उनको रिमांड भेजा है। ये लास्ट एक्यूज्ड, मेन एक्यूज्ड यही मार दिया। तो वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके मदर, उनका 3 भाई हैं, एक भाई वो टिकट देके उनको भागने के लिए हेल्प कर दिया। 2 भाइया थोड़ा ये खून क्लीन करके एविडेंस छुपाने के लिए कोशिश करा। वो 3 आदमी को ऑलरेडी गिरफ्तार कर चुके हैं, दे आर इन जेल। तो ये मेन एक्यूज्ड अभी तक मिला नहीं। तो ये पूरा अरब पुलिस, दुबई और इंडिया पुलिस मिलजुल कर ये आदमी को लाया। हम बहुत खुश हैं। ये लड़की औरत को 3 बच्चे हैं। तो ये दुबई में काम कर रहा था, वो कभी कभी आ रहा है, लेकिन उसका कोई ऊपर थोड़ा फिडेलिटी का शक है, कोई दूसरा आदमी के साथ थोड़ा जा रहा है ऐसा। ये बात बहुत बार फैमिली में भी बहुत बार थोड़ा फाइटिंग्स हो चुके हैं। 2-3 बार इसके ऊपर केसेस भी
डौरी हरासमेंट केस भी CCS और नारायणगुड़ा में रख दिया, लेकिन बाद में वो सेटल हो गया। लेकिन लास्ट रमजान को पहले बार आके थोड़ा कपड़े खरीद लेके गरीब लोगों को बांटने के लिए, जकात देने के लिए वो कन्विंस करके ला के इमिडिएटली 1 आवर के अंदर मार दिया। ये अकबर अली तो हम कस्टडी में ले लेंगे, क्योंकि दुबई पुलिस हमको हैंड ओवर कर दिया, वो विद इन 24 आवर्स उनको कोर्ट को भेजना है, तो हम पुलिस कस्टडी में ले रहे हैं। तो होने के बाद असल कैसे गए, कैसे ये पूरा हिस्ट्री, पूरा जो आदमी के ऊपर शक है ये पूरा निकालेंगे। थैंक यू।